रविंद्र भाटी ने एक चैनल से बातचीत में एक बड़ा खुलासा किया। इस खुलासे में रविंद्र भाटी ने बताया कि जब वो चुनाव लड़ने वाले थे उस दौरान उनके पास सिर्फ 30,000 रुपए ही थे। बाकी इंतजाम कब और कैसे हुआ, किसने किया, उनको नहीं पता। लोग जुड़ते गए, प्यार मिलता रहा, समर्थन मिलता रहा और देखते देखते पूरे शिव की जनता मुझसे जुड़ गई। बस यही वजह रही कि ना तो पैसों की कमी रही ना ही समर्थन की। आपको बता दें कि रविंद्र भाटी ने चुनाव जीता और विधायक बने। अपनी बेबाक छवि, राजस्थानी भाषा के प्रति प्रेम के लिए उनकी अलग पहचान है। लेकिन रविंद्र भाटी उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि पैसे नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि रविंद्र भाटी के संपर्क जबरदस्त हैं और यूनिवर्सिटी चुनाव के दौरान से ही वो काफी बेबाक रहे हैं। रविंद्र भाटी ने एक चैनल से बातचीत में एक बड़ा खुलासा किया। इस खुलासे में रविंद्र भाटी ने बताया कि जब वो चुनाव लड़ने वाले थे उस दौरान उनके पास सिर्फ 30,000 रुपए ही थे। बाकी इंतजाम कब और कैसे हुआ, किसने किया, उनको नहीं पता। लोग जुड़ते गए, प्यार मिलता रहा, समर्थन मिलता रहा और देखते देखते पूरे शिव की जनता मुझसे जुड़ गई। बस यही वजह रही कि ना तो पैसों की कमी रही ना ही समर्थन की। आपको बता दें कि रविंद्र भाटी ने चुनाव जीता और विधायक बने। अपनी बेबाक छवि, राजस्थानी भाषा के प्रति प्रेम के लिए उनकी अलग पहचान है। लेकिन रविंद्र भाटी उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि पैसे नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि रविंद्र भाटी के संपर्क जबरदस्त हैं और यूनिवर्सिटी चुनाव के दौरान से ही वो काफी बेबाक रहे हैं। रविंद्र भाटी ने एक चैनल से बातचीत में एक बड़ा खुलासा किया। इस खुलासे में रविंद्र भाटी ने बताया कि जब वो चुनाव लड़ने वाले थे उस दौरान उनके पास सिर्फ 30,000 रुपए ही थे। बाकी इंतजाम कब और कैसे हुआ, किसने किया, उनको नहीं पता। लोग जुड़ते गए, प्यार मिलता रहा, समर्थन मिलता रहा और देखते देखते पूरे शिव की जनता मुझसे जुड़ गई। बस यही वजह रही कि ना तो पैसों की कमी रही ना ही समर्थन की। आपको बता दें कि रविंद्र भाटी ने चुनाव जीता और विधायक बने। अपनी बेबाक छवि, राजस्थानी भाषा के प्रति प्रेम के लिए उनकी अलग पहचान है। लेकिन रविंद्र भाटी उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि पैसे नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि रविंद्र भाटी के संपर्क जबरदस्त हैं और यूनिवर्सिटी चुनाव के दौरान से ही वो काफी बेबाक रहे हैं। रविंद्र भाटी ने एक चैनल से बातचीत में एक बड़ा खुलासा किया। इस खुलासे में रविंद्र भाटी ने बताया कि जब वो चुनाव लड़ने वाले थे उस दौरान उनके पास सिर्फ 30,000 रुपए ही थे। बाकी इंतजाम कब और कैसे हुआ, किसने किया, उनको नहीं पता। लोग जुड़ते गए, प्यार मिलता रहा, समर्थन मिलता रहा और देखते देखते पूरे शिव की जनता मुझसे जुड़ गई। बस यही वजह रही कि ना तो पैसों की कमी रही ना ही समर्थन की। आपको बता दें कि रविंद्र भाटी ने चुनाव जीता और विधायक बने। अपनी बेबाक छवि, राजस्थानी भाषा के प्रति प्रेम के लिए उनकी अलग पहचान है। लेकिन रविंद्र भाटी उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि पैसे नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि रविंद्र भाटी के संपर्क जबरदस्त हैं और यूनिवर्सिटी चुनाव के दौरान से ही वो काफी बेबाक रहे हैं।